तो पांचवें चरण के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की संपत्ति कितनी है ये भी आपको बताते हैं। इनमें से कौन सा उम्मीदवार सबसे अमीर है, संपत्ति के पायदान पे कौन कहां खड़ा है, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। चार चरण के चुनाव के बाद अब बारी है पांचवें चरण के रण की, और पांचवें चरण में कई दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। नतीजा क्या होगा ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पांचवें चरण में चुनावी मैदान में खड़ा कौन सा उम्मीदवार सबसे अमीर है, संपत्ति के पायदान पर कौन कहां खड़ा है, ये हम आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और लखनऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम सिन्हा पांचवें चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार अमीर उम्मीदवारों की सूची में सिन्हा 193 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। उनके बाद सीतापुर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के उम्मीदवार विजय कुमार मिश्रा 177 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे पायदान पर हैं। सूची में तीसरे स्थान पर 77 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग से उम्मीदवार जयंत सिन्हा हैं। वहीं पूनम सिन्हा के पति और बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति का अंदाजा है आपको? नहीं जानते तो ये जान लीजिए, उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार वो 112 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास 7 कारें भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के पास 8 करोड़ 60 लाख रुपए की चल और 103 करोड़ 61 लाख की अचल संपत्ति है। उन्होंने बताया है कि उनके पास 4 लाख 58 हजार 232 रुपए कैश है। शत्रुघ्न सिन्हा के पास 2 करोड़ 74 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट और 29 लाख 10 हजार रुपए के शेयर में निवेश है। हालांकि चुनाव मैदान में 3 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। वहीं न्यू और एडीआर के अनुसार लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 668 में से 184 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 7 राज्यों के 51 लोकसभा क्षेत्रों में 6 मई को होने वाले पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव लड़ रहे 668 प्रत्याशियों में से 674 का विश्लेषण उनके दिए शपथ पत्रों से एडीआर ने किया है। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो प्रमुख दलों में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों में से 38, कांग्रेस के 45 उम्मीदवारों में से 32, बीएसपी के 33 उम्मीदवारों में से 17, 9 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में से 8 और 252 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 31 ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की घोषणा की है। यहां आपको बता दें कि उम्मीदवारों की संपत्ति से लेकर दागदार, बाहुबली और शैक्षिक योग्यता के आधार पर कौन सा उम्मीदवार किस पायदान पर खड़ा है इसको लेकर एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।